विश्वास मीडिया यहाँ से बड़ी मात खाएगा। कैसे काम जब भी एमएलए रहा सांसद रहा 3 साल इस गांव में कोई भी काम नहीं किया। जनता के अंदर इसका प्रभाव ईडी का प्रभाव से बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा, कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा। आज के यानी 2 साल पहले हमारी स्कूल यानी बंद की कगार पर हो गई थी बीजेपी राज में, हो गई ऑर्डर हो गए थे सर, ऑर्डर भी हो गया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में हमारी स्कूल के मतलब 5 स्कूल चालू होगी। अधिकार दिनेश जोशी था, क्या करे बेचारा, नहीं दिए टिकट, ये खाओत नहीं ठाडो डोको डांग ने पारी फड़े ने वो मीडिया का भाई ऊपर दबाव था। तो मैंने साहब के पास न तो हम गए कभी, एक रुपया लगाया नहीं, हमारा कभी सरपंच गया क्योंकि सरपंच हमेशा कांग्रेस नीति का बनाए यहाँ से। इसके साथ आए कोई ना वोट को ना दिला सके, वो वोट दिला सके बीजेपी ने कैसे दिलाएगा मुझे तो दिल में ये बताओ, दिल में तो दिल में ही बना है कि साड़ो आपने साहब यह करी क्या वोट दिला सके। कौन सा ज्यादा काम करे टोटा शुरू करो क्या ईडी का प्रभाव पड़ेगा, इस बात का पड़ेगा कि इनका जो हने होलिया किसका बीजेपी सरकार का मेन जो चेहरा है ना वो सबके सामने आ गई, इनके पास में कुछ के अलावा कुछ है ही नहीं। माला गाली गांव वालों ने 51,000 रुपए की मीटिंग में वो भी साथ ही ले गया। अच्छा नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस चुनावी यात्रा के अंदर हम जगह जगह जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी जानते हैं कि मौजूदा विधायक ने पिछले 5 साल में क्या काम करवाया और इसी के चलते हम पहुंचे सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो कि सीकर जिले में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में हॉट सीट मानी जा रही है। लोगों से जानते हैं कि जनता जनार्दन का माहौल क्या है और बीते दिनों डोटासरा के घर पे जो ईडी की रेड पड़ी थी इससे जनता जनार्दन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तब जी राम राम। हाँ जी, के नाम है? मेरा नाम है सैयद सुभाष अली खान। के लग है डोटासरा कितनों काम कराए 5 साल में? डोटासरा जो काम कराया ने सबसे पहले को ग्राम पंचायत बनाया, अपने कार्यकाल में जो काम कराया गांव में रेणु को ग्राम पंचायत बनाया, दिसनाव रोड के ऊपर कई बरसों से खड्डे पड़े हुए थे, रोड भी नहीं थी, पक्का रोड बनाया, लक्ष्मणगढ़ को रोड से जोड़ दिया गया, गांव जो बरसों से सीनियर थी सेकेंडरी स्कूल थी उसको सीनियर बनाया, सीनियर में पहले उसको साइंस बनाया, साइंस बनाने के बाद में फिर गांव वालों की डिमांड थी उसको आर्ट्स बनाओ, आर्ट्स बना दिया, गांव के कमरे बना दिए, इसको लिए बाउंड्री बना दी, जो भी गांव के लोगों ने इसको कहा ये काम होना चाहिए वो सारे काम उसने किए। अच्छा, लेकिन भाजपा ने इस बार सुभाष मैरिया पे दांव खेला, क्या लगता है फिर? देखो सुभाष मैरिया तो पहले कांग्रेस में था, पहले बीजेपी में था, अभी कांग्रेस में था, तो हर पार्टी अलग अलग एजेंडा होता है। अच्छा, लेकिन सुभाष मैरिया यहाँ से बड़ी मात खाएगा। कैसे? काम जब भी एमएलए रहा सांसद रहा 3 साल इस गांव में कोई भी काम नहीं किया, सांसद कोटम की ना दियो, कोई काम नहीं किया, यहाँ पे माला गाली गांव वालों ने 51,000 रुपए की मीटिंग में वो भी साथ ही ले गया। अच्छा, सारे ले जाएगा तो गाली जनाग लो ले गो गाली माला गाली पटे गाली भाई क्या निकाल दो 1 लाख के काम में देखो। अच्छा, क्या तो सबको पता है किसी माला गालते हैं किसी रिश्वत देते हैं, चाहे बालाजी मंदिर है मस्जिद है चढ़ाते हैं ना तो फायदे चढ़ाते नहीं चढ़ाते, तो चढ़ाया था वो पूरा चढ़ावे खा गया। अच्छा, ईडी की रेड इबके डोटासरा ग्राम पड़ी है 13 घंटा तक लगभग जांच चली, के लग है ईडी को या लिछमगढ़ में कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है ईडी का प्रभाव पड़ेगा, इस बात का पड़ेगा कि इनका जो हने होलिया किसका बीजेपी सरकार का मेन जो चेहरा है ना वो सबके सामने आ गई, इनके पास में कुछ के अलावा कुछ है ही नहीं। यानी आज ये देख के आप पढ़े लिखे लोग हो मीडिया के हो तो 50 सीटें लग चुकी है, ये 5 साल करीब करीब यहीं तो था डोटासरा, आगे भी 2 महीने बाद में यहीं रहने वाला है, तो ये ईडी की या किसी टीडी की जो सावधानी या सीबी की अगर आप डालते हो रेड है तो बहुत लंबा तो टाइम पहले भी था आगे भी है, तो
ये तो केवल लोगों को ट्रैक करने के लिए। क्या लगता है डोटासरा को कमजोर करने के लिए ईडी भेजी गई थी? बदनाम करने के लिए। बदनाम करने के लिए, कैसे? बदनाम करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। अच्छा, टॉर्चर किया जाए ताकि वे लोगों को ये रहा हो, टॉर्चर कर, और कुछ नहीं। तो इससे जनता में क्या प्रभाव पड़ा? जनता के अंदर इसका प्रभाव, ईडी का प्रभाव से बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा, कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि पेपर के मामले में ईडी गई थी, तो पेपर के मामले में ईडी गई थी, किसके गई है? डोटासरा के। पेपर वाला कोई नहीं कह रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं, अखबार कोई नहीं कह रहा है। बिल्कुल, बीजेपी वाले कह रहे हैं तो ये तो कहेंगे ही, और क्या कहेंगे मुझे बता दो आप, और क्या कहेंगे? यही कहेंगे चमगट के मायने काम के नाम पर वोट देगा या फिर जहाँ कोई नाम के ऊपर वोट देगा? काम के नाम पर वोट मिलने ही चाहिए और मिलेंगे भी। अच्छा, और जहाँ तक डोटासरा बिहार है ना, तो बिहार भी अच्छा रहा है, काम किया है, तो काम के नाम पर वोट मिलने चाहिए। अच्छा, काम के नाम पर वोट मिलेंगे। और ऐसा कोई लक्ष्मीगढ़ के अंदर देखा जाए आप, तो ऐसे ऐसे काम आप देखो कि यहीं जो तो देख लो क्या नहीं किया। लेकिन बीजेपी का तो स्वागत का दिनेश जोशी भी पक्ष आएगा, नहीं तो निर्दलीय ताल ठोक दिया गया है। ये देखो दिनेश जोशी का है, ये तो राजनीतिक पार्टियों में है, अगदार दिनेश जोशी था, क्या करे बेचारा, नहीं दिए टिकट, ये खाओत नहीं ठाटो डोको डांगने पारी फड़े ने, अब वो मेरिया को भाई ऊपर दबाव था बेचारे, टिकट बैठी कोने बैठ गया जाके, और क्या करे इनके साथ आए कोई ना, वोट कोने दिलासी के, वो वोट दिलासी के बीजेपी ने कैसे दिलाएगा मुझे बताओ, दिल में ये बताओ, दिल में तो दिल में ही होगा ना कि साला आपने साला यह करी, क्या वोट दिया वो खरास है, मतलब आप खरास रहे ना अटांगो सान से 10 रुपए देना। हां के करवाए हो बता दो साहब के पास न तो हम गए कभी, न हमारा कभी सरपंच गया, क्योंकि सरपंच हमेशा कांग्रेस नीति का बनाए, यहाँ से जब भी बनाए वो अगला कभी गए ही नहीं, तो वो काम किस लिए देगा? अगर हम आपके पास आएंगे तभी, गोविंद जी के पास हम लोग जाते हैं तभी तो काम देगा, वैसे थोड़ा दे देगा दो साल में। और हमारे गांव में जो घोषणाएं हुई है, अभी जैसे पिछली बार प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर हमारे गाँव में 4-5 घोषणाएं हुई थी, उसमें एक भी काम नहीं करवाया। सारे काम जो मैंने बताए सारे काम हुए, कौन सा काम नहीं हुआ? सीनियर स्कूल बनेगी नहीं बनी, साइंस खुली की नहीं खुली, आर्ट्स खुली की नहीं खुली, ग्राम पंचायत बनेगी नहीं, इसके इसी अवधि में सांसद के ग्रह वो बता देते हैं, इनसे पूछ लो चाहे इनसे पूछ लो, ये बीजेपी समर्थक है, समर्थन तो कैसे, हमने पहली बार डोटासरा को वोट दिया था जब 34 वोटों से जीते थे, इनसे पूछो, उनको वोट दिया था, उन्होंने 10 साल के अंदर गांव के अंदर 1-10 रुपए का काम नहीं कराया। ये अभी चुनाव लास्ट बार उनको ये लगा कि अभी हम चुनाव हारेंगे, उस 5 साल में लगाया। अब इनसे ये पूछो कि अभी जो घोषणाएं करके गए थे, अपने गांव में प्रोग्राम कराया था, 2-3 लाख रुपए भी खर्च किए थे, उसके बाद में हमारे एक तो ईदगाह के अंदर टिन सेट का बोल के गए थे, एक यहाँ आई मास्क लाइट के लिए बोल के गए थे, और एक ट्यूबवेल बोल के गए थे, इनको बोलो तीनों काम बताओ जी। ये जो इन बता रहे हैं ना, अभी बोल के गए 2 महीने पहले इन्होंने, सुन लीजिए मेरी बात, जो घोषणा की है ना, अभी सरपंच ये मौजूद होगा, 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट उन्होंने दिया गांव की, जो पानी का निकासी का वो काम चालू है, टेंडर हो चुका है उसका, ये जो लाइट लगाने का चालू है अभी, सुनो ये जो लाइट लगाने का काम है, यहाँ इन्होंने कहा लाइट का टेंडर हो चुका है, मास्क लाइट की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है उसको स्वीकृति जारी हो चुकी और वो जो है काम चालू है। क्या कह रहा उन्होंने 2 सपोर्ट में डटागा मारो राष्ट्र तोड़ो करवा दो, गरेल जी को नहीं करा दुख पाई हो रही है बहुत ठाटी, रास्ते छोड़ो के कारण कोनी हो रहे हो, के कारण कोनी हो रहे हो, कोनी बन रहे हो पट्टो पट्टो रास्ते कटे बने, और भी कई लोग है बाऊ जान के थे, के करे वजह थे बीच में बहुत बोल रहे, के करे हम बोलो जी ते बता रहे जा के बता, तो कांग्रेस की सरकार है कौन सो ज्यादा काम कर रहा है, छोटा शुरू कर भाई क्या वे तो करे किन करवाए को ना, बाकी बाकी मत है मेरो मेरो मत है, तो काम तो है, काम बता रहे हैं, लाइक बोलो ना काम बता रहे काम को, स्कूल में खाली एक सड़क बनाई है, किंग कौन करवाए हो भाई, बैठ तो कह रहा हूं मैं, मास्टर कौन है जाके देखो कोनी की स्कूल में मास्टर कौन, मास्टर में बच्चा बढ़ रहेंगे, अच्छा भाई मास्टर में बच्चा बढ़ रहेंगे, मास्टर से तो बच्चा बढ़ रहे हैं, यानी हमारे गांव में यानी 100 बच्चा पढ़ता है, 500 बच्चा है, अच्छा इतने बढ़ रहे मास्टर में,
आज के यानी 2 साल पहले हमारी स्कूल यानी बंद की कगार पर हो गई थी बीजेपी राज में, हो गई ऑर्डर हो गए थे सर, ऑर्डर भी हो गया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में हमारी स्कूल के मतलब 5 स्कूल चालू होगी और स्कूल के 4 मेरे बाउंड्री होगी और सब कुछ होगा। ये चीज को जवाब लेना चाहूंगा, ले लो। ऐ बता रहे स्कूल बंद हो गई थी, बताओ इसको क्या जवाब दोगा? अब तक 25 साल तो परशुराम मौर्य ऐसे विधायक रहे, 27 साल है, उसके बाद में सिर्फ 5 साल बीजेपी आई थी, उसके अंदर बच्चे कम होने के कारण, बच्चे कम होने के कारण कि स्कूल में बच्चे नहीं थे, उसके कम होने के कारण दोनों स्कूलों को एक जगह कर दिया गया, बंद नहीं हुई स्कूल। और आज भी हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर स्कूल होते हुए भी और अलग पूरा हमारे गांव के बच्चे ज्यादा पढ़ने के लिए जाते हैं। 10 करोड़ को यानी ऋणु के माय में वो परसों दे की गई 10 करोड़ बोला हूँ, तो वो ऋणु में लगाएंगे, हाँ तो लगाएंगे, चलो ठीक है लगा की। जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता जनार्दन किसके नाम पर मोहर लगाती है। लेकिन आप सभी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, आने वाली 25 नवंबर को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट प्रदेश की दिशा और दशा तय करता है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी गांव में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।